डिप्रेशन मन की वो स्थिति है जब हम प्रतिदिन दुखी रहते हैं और पहले की तरह जिंदगी में रुचि खो बैठते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक आम बीमारी हो चुकी है। डिप्रेशन में कई लोगों को तो दुख का भी अनुभव नहीं होता, वे हमेशा चिड़चिड़ापन, अकेलापन व थका महसूस करते हैं। इसका हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है या बहुत कम भूख लगती है। इससे हमारा वजन या तो बहुत कम हो जाता है या तो फिर बहुत तेज पड़ जाता है। नींद पर भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई लोग तो डिप्रेशन सोने में बिता देते हैं, या फिर कई तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, उनके पूरी रात जग कर ही बीतती है। को ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जितना हमें परेशान करती है, इससे बाहर निकलना भी हमारे बस की बात होती है। इससे अगर हम चाहे और मन में ठान ले तो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंज लाकर डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। कभी ना भूलें कि अगर लाइफ का निडरता के साथ सामना किया जाए तो कठिनाइयाँ कब गायब हो जाती है ये आपको भी पता नहीं चलता। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने मन में ये विश्वास बना लें कि डिप्रेशन सिर्फ आपको नहीं बल्कि लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो इससे फाइट कर रहे हैं और फाइट कर बाहर भी निकलते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। लगता है आज आपको लगे कि डिप्रेशन ने आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है, आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब कर दी है, पर एक बात याद रखिए कि ये लाइफ बहुत बड़ी लंबी है और डिप्रेशन इसका एक छोटा सा पार्ट है जो आज है और कल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हार कभी ना माने। क्यों भूल जाते हैं जो आपसे भी खराब स्थिति में है फिर भी डट कर अपने जीवन का सामना कर रहे हैं और जी भी रहे हैं। आपके आसपास हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ देखी हैं फिर भी डट कर हीरो की तरह खड़े हैं। तो डिप्रेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले हम समझते हैं कि डिप्रेशन में हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल कम हो जाते हैं और ये ज़िंदगी में निराशा और दुख का अनुभव करने लगते हैं। इससे बचने के लिए जो हमें सबसे पहला काम करना है वो है मेडिटेशन या ध्यान को अपने जीवन में सम्मिलित करना। मेडिटेशन के अभ्यास से हमारा दिमाग का थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने लगता है और हमारे दिमाग में खुशी का अनुभव होता है और दिमाग शांत होने लगता है और इससे हम डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। मेडिटेशन ना सिर्फ दिमाग पर बल्कि हमारे शरीर पर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आप इसको ज़रूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें अपने मन की सारी फीलिंग्स को लिखें जिसकी वजह से आपका मन दुखी होता है, आपके मन में घबराहट उत्पन्न होती है। ऐसा देखा गया है कि हमारे मन की एक पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस होती है, सोचने की आदत होती है और उसी सोच से हमारा मन दुखी होता है और हमारे मन में घबराहट होती है। जब आप इस आदतों को और मन की सोच को अपने एक डायरी में लिखना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपने एक कंट्रोल बना लिया है उन थॉट्स पे। अब आपको पता है कि आपको किस बात से घबराहट होती है। जब आप इन थॉट्स को लिखना चालू करते हैं तब आप अपने किसी भी विश्वसनीय दोस्त या फैमिली मेम्बर्स के पास जाएं जो आपकी केयर करते हैं और उन्हें बताएं कि मुझे इन सोच के कारण, इन सभी थिंकिंग के कारण रोज़मर्रा में घबराहट हो रही है, मैं अपने जीवन में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, और उनसे मदद लें कि मैं इस थिंकिंग प्रोसेस से किस तरह से बाहर निकलूँ। किसी और को शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी घबराहट पहले से कम हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि दुख को बांटने से दुख कम होता है और आपको लगेगा कि जब भी मैं अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा तो जिससे भी मैंने ये बात बताई है, जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, वो उस समय मेरी मदद के लिए खड़ा होगा। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मन की घबराहट कम होते जा रही है क्योंकि आपने अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। अपने लाइफ को नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आप सुबह उठेंगे और अपने लिए तीन कामों का नाम लिखेंगे जो आपने पहले डिप्रेशन में रहते हुए अवॉइड किया था। ये हो सकता है गिटार बजाना हो, या फिर अब कुछ घंटे पढ़ाई करना हो, या फिर घर में किसी की मदद करना हो। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको विश्वास होगा कि मैं अब अपने खुद पर कंट्रोल रख पा रहा हूँ। दोस्तों, ये अपने से वादा कर लें कि आज मैं जैसा भी महसूस करूँगा, मैंने सुबह उठकर ये जो तीन काम लिखे हैं आज मैं किसी भी हाल में इसे करूँगा। इसे शुरू में करना बहुत कठिन होगा दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से ये आप आसानी से कर पाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने लाइफ के ऊपर कुछ कंट्रोल पा लिया है। पहले की तरह डिप्रेशन का शिकार नहीं हूँ, अब मैं भी लाइफ में फंक्शन कर पा रहा हूँ। पुरानी गलतियों को भूल जाओ, असफलताओं को भूल जाओ, अभी जो करने जा रहे हो उसके अलावा हर एक चीज़ को भूल जाओ। आशा करती हूँ कि आप भी अब से डिप्रेशन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे बल्कि उसे अपनी हंसी और मुस्कुराहट से दूर करेंगे और दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेंगे। तो फिर
फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी लाइफ का डट कर सामना करें और इसे खुशी के साथ जिए।